बीते दिन पानीपत शहरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संजय अग्रवाल ने भाजपा पर तीखे कटाक्ष करते हुए कहा कि वास्तविक राष्ट्रवाद कांग्रेस में है, जहां दलित, शोषित, व्यापारी एवं किसान सभी वर्ग खुश रहते हैं। भाजपा के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है और समान विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में कर्मचारी भी परेशान रहे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने का संकल्प लिया है। खासतौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस काम करेगी। भाजपा अहंकार से भर चुकी है, तभी वह 75 पार का नारा दे रही है। संजय अग्रवाल ने वार्ड 9, 10 व 11 में डोर टू डोर संपर्क करके हाथ पर मोहर लगाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पानीपत शहर से वे भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।